राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पीएम मोदी संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा में 12 बजे और राज्यसभा में शाम 5 बजे बयान देंगे। शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। पिछले 3 दिन से सीए और एनआरसी के मुद्दे पर हंगामा हुआ है, आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। बुधवार को लोकसभा में उन्होंने एक बार फिर कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मामला बन गया है। कांग्रेस सांसद ने विदेश मंत्री से पूछा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर इंटरनल मसला है। अधीर रंजन ने सरकार से पूछा कि उसने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को लेकर क्या कदम उठाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को पीएम मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ट्रस्ट को सबसे पहले 1 रुपए का नगद दान दिया। ये दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय में अवर सचिव डी मुर्मू ने दिया। मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष के परासरन होंगे। हिंदू संगठनों और साधु संतों ने ट्रस्ट का स्वागत किया है, जबकि दिल्ली चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में बुधवार की रात टीएमसी काउंसलर के घर में बम से हमला किया गया। इस दौरान हमलावरों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। खबर मिलने पर जगदल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। इस बीच बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। टीएमसी काउंसलर मनोज गुहा ने हमले के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है, हालांकि बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया। कोरोना वायरस के मुद्दे पर बुधवार को केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव ने अहम बैठक की। कैबिनेट सचिव ने बताया कि वायरस के खतरे को देखते हुए चीन के नागरिकों को जारी वीजा पर रोक लगा दी गई। इस बीच चीन की वुहान से लौटे 399 लोगों में से 104 के नमूने निगेटिव आए हैं। शेष यात्रियों के नमूने अभी जाँच प्रक्रिया में है। इन लोगों को ITBP के छावला कैंप में रखा गया है। पश्चिमी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल समेत कई प्रदेशों से कोरोना के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद सरकार अलर्ट पर है। केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत को चुनौती दी है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी, जिस पर मंदिर ट्रस्ट के अलावा कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी चरम पर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी देवेंद्र सिंह की पुलिस रिमांड आज कोर्ट में पेश करेगी। देवेंद्र सिंह के आतंकियों से लिंक की जांच एनआईए कर रही है। उसे दक्षिण कश्मीर से आतंकियों के साथ पकड़ा गया था। ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। घाटी में उसके 5 ठिकानों से जांच एजेंसी को अहम सुराग हाथ लगे। गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे सस्पेंड कर दिया था। जम्मू के नरगोटा इलाके में 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के ढेर होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ। सेना के मुताबिक आतंकी कठुआ जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने के बाद अपने हैंडलर्स से नवीनतम कम्युनिकेशन तकनीक से संपर्क में रहते थे। सूत्रों का कहना है कि आतंकी यू स्टॉक मार्केट सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इस तकनीक का इस्तेमाल आतंकी जैश ए मोहम्मद के साथ संपर्क के लिए करते थे। इसके लिए पीओके में जैश आतंकियों ने एक फिक्स्ड कम्युनिकेशन सेंटर भी बना रखा है। बुधवार को श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि तीसरा आतंकी बुरी तरह जख्मी हो गया। मारे गए 2 आतंकियों में एक हिजबुल का और दूसरा लश्करे तोयबा का है। कूटी पर आए 3 आतंकियों ने अचानक सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन ने जवाबी कार्रवाई। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। पुलवामा के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका, जो स्टेशन के बाहर जाकर फटा, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इमरान ने कहा कि किसी से नफरत के आधार पर जब कोई आइडियोलॉजी बनाते हैं तो हमेशा खून खराबा और तबाही होती। इमरान ने कहा कि कश्मीर की ओपन जेल में 80 लाख लोगों को बंद किया गया।
आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की स्थिति और बिगड़ेगी। हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। पाकिस्तान को लेकर मोदी के सख्त रुख से भी इमरान खान घबराए हुए हैं।